आप देख रहे हैं कलम न्यूज। खबर पंजाब से है। प्रताप सिंह बाजवा ने पंजाब राज्य में नकली शराब कांड के 127 लोगों की जान चली जाने पर पंजाब के राज्यपाल तथा केंद्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पंजाब के मुख्यमंत्री तथा पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ को हटाने की मांग कर दी है। अपने ही पार्टी के लीडरों के विरोध को देखते हुए आनन फानन में मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह ने जिला तरन तारण में शराब कांड में जवान गवा चुके परिवारों के सदस्यों से मुलाकात की है तथा उनके दुख दर्द सुनने पहुंचे हैं। पत्रकारों के सवाल जवाब में उन्होंने कहा कि दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी तथा अपनी पार्टी के लीडरों के द्वारा उनका विरोध के सवाल पर जवाब दिए बिना ही पत्रकारों से पीछा छुड़ाने के लिए आगे खिसक गए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंद्र सिंह। दूसरी ओर कांग्रेस के लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने आरोप लगाया है कि हमारे द्वारा मुख्यमंत्री के शराब कांड में कार्रवाई नहीं करने के बाद पत्थर लिखे गए उसके बाद मुख्यमंत्री की आंख खुली है तथा वे शराब कांड में प्रभावित हुए परिवारों से मिलने पहुँचे हैं। प्रताप सिंह बाजवा के तेवर तेज ही चल रहे हैं। लगता तो यही है कि राजस्थान की राजनीति में जैसा भूचाल आया हुआ है वैसा ही भूचाल पंजाब में आने वाला है। दिल्ली के आलाकमान को सब कुछ पता होने पर भी चुप्पी साधने पर भी पंजाब की जनता के मन में कई सवाल उठ रहे हैं कि आगे आखिर होगा क्या। वहीं दूसरी ओर परिस्थिति का फायदा उठाते हुए पंजाब में अकाली दल तथा बीजेपी के लीडर सक्रिय हो चुके हैं। देखने वाली बात होगी कि पंजाब में आया हुआ भूचाल थमता है या फिर राजस्थान की तरह विधायकों की बाड़ेबंदी पंजाब में भी शुरू होती है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।